हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके प्लस पॉइंट। आज की इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी आपको बताएंगे क्ले मिंडल के बारे में। इसके पहले का जो वीडियो था विद्यार्थी, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिंडल के बारे में बताए थे। अगर जो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है विद्यार्थी की सबसे पहले उस वीडियो कर जाकर देखें, क्योंकि आज का जो भी आपका लेक्चर रहेगा आपको उसी पर डिपेंड रहेगा। अगर जो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिंडल समझ में आ गया होगा तो आज का वीडियो लेक्चर में आपको क्ले मिंडल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर जो नहीं देखें तो विद्यार्थी आपको क्या, डिस्क्रिप्शन में मेरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां विजिट कीजिए। वहां से आप सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्ले मिंडल के बारे में पढ़ लीजिए, तब आपको क्या इस लेक्चर को देखना है, तब आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए विद्यार्थी, यहाँ क्ले मिंडल का डेफिनेशन दिए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉइल कॉल्ड मिंडल, यानी कि आपका जो है सॉइल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, मिंडल्स बोलते हैं। क्ले सॉइल हैज मेड ऑफ थ्री बेसिस मिंडल, यानी कि क्ले जो सॉइल होता है उसमें तीन प्रकार का मिंडल पाया जाता है। कौन कौन? कियोलोनाइट, माउंट मोरिलोनाइट और इलाइट। यानी कि आपको बेसिक ध्यान रखना है विद्यार्थी कि मिंडल जो होता है थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? कियोलोनाइट, एक माउंट मोरिलोनाइट, एक इलाइट होता है। अब देखिए आपको कियोलोनाइट, माउंट मोरिलोनाइट और इलाइट, इन तीनों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आप कोशिश कीजिएगा विद्यार्थी अच्छे से समझने का, हमको जितना भी होगा आपको मैक्सिमम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए विद्यार्थी, इससे पहले आप दो चीज याद रखना है कि आपका जो गिप्साइड शीट होता है आपका रेक्टेंगल होता है, और सिल्का शीट जो होता है आपका ट्रेपीजियम होता है। इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसमें आपको बताए थे कि आपका गिप्साइड शीट किसका स्ट्रक्चर में होता है, रेक्टेंगल में, और आपका सिल्का शीट जो होता है आपका ट्रेपीजियम में होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि गिप्साइड शीट रेक्टेंगल में और सिल्का शीट ट्रेपीजियम में। तब विद्यार्थी आपको क्या है, ये तीनों मिंडल समझने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए सबसे पहले कियोलोनाइट मिंडल के बारे में लिखे हैं कि कियोलोनाइट मिंडल आर मेड ऑफ एन एलुमिना शीट, जिसको गिप्साइड शीट भी बोलते हैं, कंबाइंड विथ ए सिल्का शीट। यानी कियोलोनाइट मिंडल जो होता है उसमें क्या रहता है, एक सिल्का शीट और एक गिप्साइड शीट क्या रहता है, मिला रहता है, कंबाइंड रहता है। द स्ट्रक्चरल यूनिट ज्वाइन टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ जो आपका विद्यार्थी यूनिट जो रहता है वो किससे जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। सिंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। द बॉन्ड इज डेवलप बिटवीन द ऑक्सीजन ऑफ सिल्का शीट, सिल्का शीट में जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसके, एंड हाइड्रोक्साइल ऑफ एल्यूमिना शीट, एल्यूमिना शीट में जो OH रहता है उन दोनों के बीच में क्या है, आपका जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कियोलोनाइट मिंडल्स इज क्वाइट स्टेबल। अब चूंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसके लिए क्या है, कियोलोनाइट मिंडल जो होता है क्वाइट स्टेबल होता है। दस द सॉइल कंसिस्टिंग कियोलोनाइट मिंडल डू नॉट शो मच चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू मॉइस्चर वेरिएशन, चूंकि इसके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत ही मजबूत होता है विद्यार्थी, इसी कारण क्या है ये आपका ज्यादा चेंज इन वॉल्यूम नहीं शो करता है। उसके बाद क्या लिखे विद्यार्थी, आपको एग्जाम्पल में याद रखना है कि चाइना के लिए जो है एग्जाम्पल ऑफ क्या है, क्यूलोनाइट मिंडल। यहाँ क्या लिखे विद्यार्थी कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूलोनाइट पार्टिकल पर यूनिट मास इज अबाउट 15 m² per gram, यानी कि 15 m² per gram। ये क्या है, इसका सरफेस एरिया पर यूनिट मास है। द सरफेस एरिया पर यूनिट मास, यानी कि जो सरफेस एरिया होता है यूनिट मास में उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक सरफेस। अगर जो कोई पूछेगा कि स्पेसिफिक सरफेस क्यूलोनाइट का कितना होता है तो आपको याद रखना कि 15 m² per gram, यानी कि सरफेस एरिया पर यूनिट मास। अब देखिए विद्यार्थी, आपको जो ऊपर बताए हैं उसी चीज को यहाँ क्या किए हैं कि एक गिप्साइड शीट और एक सिल्का शीट, गिप्साइड शीट को एल्यूमिना शीट बोलते हैं और सिल्का शीट जो होता है आपका SI से डिनोट करते हैं, यही दोनों जो विद्यार्थी आपका इस मिंडल में ज्वाइंट रहता है। अब प्रत्येक यूनिट जो होता है विद्यार्थी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है, कंबाइंड रहता है। यहाँ पर जो आपको दिखाए हाइड्रोजन बॉन्ड SF है, ये आपका एक यूनिट रहता है किसका, क्यूलोनाइट मिंडल में, जिसमें क्या है एक गिप्साइड रहता है एक सिल्का रहता है, यही यूनिट क्या है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच रहता है, इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्यूलोनाइट मिंडल। ये जो विद्यार्थी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, जिसके कारण क्या है इसमें वाटर आपका नहीं जाता है, जिसके कारण ये स्वेलिंग नहीं करता है और ना आपका श्रिंकेज करता है। स्वेलिंग मतलब फूलना, मतलब इसमें ज्यादा
फैल आओ नहीं होता है, ना ही ज्यादा सिकुड़ता है। तो आपको याद रखना है विद्यार्थी कि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जिसके कारण क्या है इसके बीच का जो बॉन्ड है बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत होने के कारण क्या है इसमें वाटर नहीं जा सकता है। वाटर नहीं जाएगा तो इसका स्वेलिंग क्या होगा, कम होगा। श्रिंकेज क्या होगा, कम होगा। एक्टिविटी क्या होगा, लो होगा। अब यही सब चीजों विद्यार्थी आपको लिखे हैं यहाँ पर नोट में करके कि 1:1 क्लेमेंडल, इसमें क्या है एक गिब्साइट होता है एक सिल्का होता है, इसलिए इसका रेशियो क्या होता है 1:1। 1:1 कहने का मतलब क्या है, एक सिल्का रहता है और एक गिब्साइट सीट रहता है। लिस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ये जो है स्वेलिंग और श्रिंकेज क्या होता है बहुत ही कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन टू लेयर, यानी एक एक दो लेयर, दो लेयर के बीच में क्या रहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका प्रेजेंट रहता है। मिनिमम एक्टिविटी, एक्टिविटी इसका क्या होता है बहुत ही कम होता है। डिस्टेंस जो होता है आपका विद्यार्थी याद रखना है कि डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है 7.2 एंगस्ट्रम होता है, ये आपका डिस्टेंस हो गया। और स्पेसिफिक सर्फेस इसका कितना होता है 15 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। देखिए विद्यार्थी क्यूलोनाइट मिनरल कुछ नहीं, अगर जो आपको स्ट्रक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है तो आपको क्या है एक गिब्साइट एक सिल्का शीट को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। उससे क्या हो जाएगा एक यूनिट बन जाएगा, प्रत्येक यूनिट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या करना है अटैच कर देना है, यही हो जाएगा आपका क्यूलोनाइट मिनरल। ये सब जो विद्यार्थी आपको क्या है ये सब स्ट्रक्चर आपको क्या है डिवाइस द्वारा देखा गया है, यंत्र के द्वारा देखा गया तब आपका ये स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। हमसे उनको उतना पॉसिबल नहीं कि हमसे प्रैक्टिकली कर सकते, इसलिए विद्यार्थी आपको यहाँ दिमाग लगाना नहीं कि क्यों ऐसा होता है। इसमें सिर्फ यही याद रखना है विद्यार्थी कि क्यूलोनाइट मिनरल में एक गिब्साइट एक सिल्का शीट रहता है, दोनों आपस में क्या रहता है अटैच रहता है, और प्रत्येक यूनिट के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या रहता है जुड़ा हुआ। इसमें जो विद्यार्थी आपका डिस्टेंस है 7.2 एंगस्ट्रम, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था आपको नोट के रूप में हम लिख दिए। ठीक विद्यार्थी आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम सेकेंड टाइप ऑफ क्लेमेंडल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।